नया गाउन का जादू। कृष्णा नगर कॉलोनी में एक संयुक्त परिवार रहता था। उस परिवार में कामिनी और सरिता नाम की दो जेठानी देवरानी रहती थी। दोनों की एक एक बेटी थी। सरिता की बेटी का नाम था रूपल और कामिनी की बेटी का नाम था सपना। कामिनी की बेटी सपना दिखने में बहुत सुंदर थी। वहीं सरिता की बेटी रूपल का रंग सांवला था और चेहरे पर कई दाग धब्बे थे, लेकिन दोनों अपनी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। सरिता के पति किशोर की मृत्यु कुछ साल पहले ही हो चुकी थी। दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करने जाया करती थी, लेकिन सरिता ने अपनी बेटी रूपल को कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहे थे, लेकिन एक दिन सरिता का सीढ़ियों से उतरते वक्त पैर फिसल गया और सर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। माँ सरिता की मौत की खबर सुनकर रूपल बुरी तरह रोने लगी। माँ, आप मुझे इस तरह छोड़कर अकेले नहीं जा सकती। मेरा आपके सिवा इस दुनिया में है ही कौन। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे भी अपने पास बुला लो माँ। रूपल को रोता देख कामिनी गुस्से से बोली, चुप कर मनहूस। इस तरह रोने से तेरी मरी हुई माँ वापस नहीं आ जाएगी। अब तेरी माँ का अंतिम संस्कार भी मुझे ही करना पड़ेगा। एक तो पहले से इस घर में पैसों की इतनी तंगी है, ऊपर से अब तेरा खर्चा भी मुझे उठाना पड़ेगा। ये कहते हुए कामिनी रूपल को कोसने लगी। फिर अंतिम संस्कार हो जाने के बाद रूपल घर आकर अपनी माँ को याद कर फूट फूट कर रोने लगी। वही दूसरी ओर कामिनी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब कब तक अपनी मरी हुई माँ का मातम मनाती रहेगी। जा रसोई में जाकर झूठे बर्तन साफ कर। सुबह से गंदे पड़े हुए हैं और घर की साफ सफाई भी करनी है। पर ताई जी, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ। मुझे घर का काम करना बिल्कुल भी नहीं आता। आप मुझे कुछ और काम दे दीजिए। खाना खाने के समय तो चार जनों का खाना अकेले खा जाती है। काम चोर कहीं की, चुपचाप जाकर घर का सारा काम कर, समझी। ज्यादा जुबान चलाएगी तो तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। कामिनी की बात सुनकर रूपल डर कर जैसे तैसे घर की सफाई करने लगी। उसके बाद झूठे बर्तन धोए। फिर थक हार कर रूपल जैसे ही अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी, इतने में वहाँ कामिनी आ पहुँची और गुस्से से बोली, अच्छा तो महारानी यहाँ आराम फरमा रही हैं। चल जल्दी से उठ और जाकर सपना बेटी के लिए खाना गर्म कर। वो स्कूल से आती ही होगी। ताई जी, मैं भी कल से स्कूल जाऊंगी। एक हफ्ते से मैं स्कूल नहीं गई। बढ़िया है स्कूल जाने वाली। तेरे स्कूल चले जाने के बाद क्या तेरी मरी हुई माँ घर का काम करने आएगी। जा और जाकर खाना गर्म कर। रूपल रोते हुए किचन में जाकर खाना गर्म करने लगी, लेकिन गैस की आंच तेज होने की वजह से सारा खाना जल गया। तभी वहाँ कामिनी गुस्से से चिल्लाती हुई आई और बोली, सत्यानाश हो तेरा। मुझे पता है तू मेरी बेटी से बहुत जलती है। तूने जानबूझकर खाना जलाया है ना। नहीं ताई जी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। गलती से हो गया। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। मुझे माफ कर दो। मुझे सब पता है तूने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि मेरी बेटी स्कूल से आकर खाना ना खा पाए। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। एक दिन भूखी रहेगी तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। इस तरह आए दिन कामिनी का अत्याचार रूपल पर बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही कई साल बीत गए। अब रूपल और सपना दोनों बड़ी हो चुकी थी। जहाँ रूपल एक नौकरानी की तरह घर का सारा काम किया करती थी, वहीं कामिनी की बेटी सपना सारा दिन भर आवारा दोस्तों के साथ बाहर घूमा करती थी। कामिनी के ज्यादा लाड प्यार की वजह से सपना बहुत ही जिद्दी और घमंडी बन चुकी थी। वहीं कामिनी अपनी बेटी सपना की हर जिद पूरी किया करती थी। एक दिन की बात है, जब ये बात सपना को पता चली तो वो खुश होते हुए अपनी माँ कामिनी से बोली, मॉम आपको पता है हमारी कॉलोनी में अगले हफ्ते ब्यूटी कॉम्पिटिशन होने वाला है और जो कोई भी इस कॉम्पिटिशन को जीतेगा उसे पूरे 1,00,000 रुपए का इनाम मिलेगा। साथ ही साथ उसे फिल्मों में काम करने का मौका भी मिलेगा। मॉम मुझे फैशन कॉम्पिटिशन किसी भी हालत में जीतना है। मेरी प्यारी बेटी, मुझे पता है ये कॉम्पिटिशन तू ही जीतेगी। पूरी कॉलोनी में तुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। मॉम इस कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए मुझे ब्रांडेड और सबसे महंगा गाउन चाहिए। मैं पूरी कॉलोनी में सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ। क्यों नहीं मेरी राजकुमारी बिटिया, मैं तुझे सबसे महंगा और ब्रांडेड गाउन खरीद कर दूंगी। दूर खड़ी रूपल उन दोनों की बातें सुन रही थी। ब्यूटी कॉम्पिटिशन की बात सुनकर रूपल से रहा नहीं गया और वो कामिनी से बोली,
ताई जी, मैं भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती हूँ, क्या आप मुझे सस्ता सा गाउन दिला देंगी? शक्ल देखे तूने कभी आईने में अपनी? मनहूस कहीं की, तू अपना ये मनहूस चेहरा लेकर कॉम्पिटिशन में अगर जाएगी तो मेरी बेटी कॉम्पिटिशन कभी नहीं जीत पाएगी, इसलिए उस दिन तू घर से बाहर कदम नहीं रखेगी, समझी? कामिनी की कड़वी बातें सुनकर रूपल दुखी होकर अपने कमरे में चली गई और मन ही मन सोचने लगी, क्यों ना मैं अपने हाथों से ही एक गाउन सिल लूं? बक्से में माँ की गुलाबी साड़ी रखी है, उसी साड़ी से मैं अपने लिए गाउन तैयार करूंगी। ऐसा सोचकर रूपल ने माँ की पुरानी सिलाई मशीन से दिन रात एक कर अपने लिए बहुत ही सुंदर गाउन सिलकर तैयार कर लिया। तभी सपना उसके कमरे में आ गई और इतना सुंदर गाउन देखकर ईर्ष्या से जलते हुए बोली, अरे इसका गाउन तो मेरे गाउन से भी ज्यादा सुंदर है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा नहीं तो ये ब्यूटी कॉम्पिटिशन जीत जाएगी। ऐसा सोचकर सपना रात को रूपल के सो जाने के बाद चोरी छुपे उसके कमरे में गई और उसका गाउन चुरा कर एक खाली स्थान में ले जाकर जला दिया। जब अगली सुबह रूपल सोकर उठी तो उसने देखा उसका गाउन कमरे में नहीं है। वो घबराते हुए गाउन को इधर उधर ढूंढने लगी। तभी वहाँ सपना आई और बोली, क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो? दरअसल मेरा गाउन कहीं नहीं मिल रहा, मैंने बड़ी मुश्किल से सिलकर तैयार किया था, तुमने कहीं मेरा गाउन देखा क्या? अच्छा वो गाउन? वो गाउन तो मैंने चला दिया, तुम मेरी बराबरी करने चली थी ना, अब देखती हूँ तो कैसे बिना गाउन के कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेती है। सपना की बात सुन रूपल रोते हुए घर से दूर नदी किनारे जाकर बैठ गई। अब मैं क्या करूं? मैंने बड़ी हिम्मत से माँ की साड़ी से अपने लिए गाउन सिला था, लेकिन सपना ने मेरा गाउन चला दिया, अब मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी। ये कहते हुए रूपल रोने लगी। तभी वहाँ से आसमान के रास्ते एक सुंदर परी गुजर रही थी। रूपल के रोने की आवाज़ सुन परी बोली, बेचारी बहुत दुखी लग रही है, मुझे चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। ये कहते हुए परी रूपल के पास गई। परी को अपने सामने देखकर रूपल चौंक गई। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? आप परी ही है ना? हाँ, पर तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो, क्या बात है मुझे बताओ। रूपल ने रोते हुए परी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर परी ने कहा, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जादुई गाउन देती हूँ, इस गाउन के जादू से तुम ब्यूटी कॉम्पिटिशन अवश्य जीत पाओगी। रूपल परी का धन्यवाद कर खुशी खुशी जादुई गाउन लेकर घर लौट आई। जैसे ही उसने गाउन पहनकर देखा वो परी की तरह खूबसूरत बन गई कि तभी सपना उसके कमरे में आ गई और रूपल को इतना सुंदर गाउन पहने हुए देख बोली, अरे रूपल तुम इतना सुंदर गाउन कहाँ से लेकर आई? ये गाउन मुझे एक परी ने दिया है। रूपल की बात सुन सपना ईर्ष्या से मन ही मन जलते हुए बोली, क्यों ना मैं इस गाउन को चुरा लूं? मैं इस रूपल की बच्ची को किसी भी कीमत में कंपटीशन जीतने नहीं दूंगी। ऐसा सोचकर सपना ने मौका पाकर जादुई गाउन चुरा लिया और अपने कमरे में ले जाकर उस गाउन को पहनकर देखने लगी। अब तो मैं ही विनर बनूंगी और 1,00,000 रुपए भी मेरे होंगे। ये कहते हुए सपना बहुत खुश हो रही थी, लेकिन गाउन पहनते ही सपना एक बदसूरत लड़की में बदल गई। अपनी ऐसी हालत देख सपना जोर जोर से रोने लगी। अरे मैं काली कैसे हो गई? अब मैं कॉम्पिटिशन कैसे जीतूंगी? ये कहते हुए सपना रोई जा रही थी। तभी जादुई गाउन में से आवाज आई, ये तुम्हारे किए की सजा है दुष्ट लड़की, तुमने बेचारी रूपल पर बहुत अत्याचार किए हैं, इसलिए तुम सदा अब ऐसे ही रहोगी। ये सुन सपना ने घबराकर जादुई गाउन को उतार फेंका और अपने किए पर पछताने लगी। वहीं दूसरी तरफ रूपल जादुई गाउन के जादू से ब्यूटी कॉम्पिटिशन जीत गई और साथ ही उसे 1,00,000 रुपए का इनाम भी मिला। रूपल ने इनाम में मिले हुए पैसों से अपनी माँ के नाम से गरीब लोगों के लिए एक अस्पताल खोला। इतना ही नहीं, रूपल को फिल्मों में काम करने का मौका भी मिला। धीरे धीरे रूपल नाम और शोहरत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। इस तरह रूपल की जिंदगी जादुई गाउन के जादू की वजह से बिल्कुल बदल गई और वो हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगी।